दोस्तों स्वागत आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रविंदर सिंह भाटी के बारे में, जो कि वर्तमान में राजस्थान की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर प्रेसिडेंट के पद के ऊपर बैठे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रविंद्र भाटी के जीवन के बारे में और उनकी लाइफस्टाइल, कार्स कलेक्शन और मैरिटल स्टेटस के बारे में। अगर आप भी रविंद्र भाटी के फैन हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों रविंद्र सिंह भाटी का जन्म 3 दिसंबर 1990 को राजस्थान के बाड़मेर जिले के दुदोड़ा गांव में हुआ था और इस हिसाब से रविंद्र सिंह भाटी की उम्र 30 वर्ष हो चुकी है। अब बात करते हैं रविंद्र भाटी की एजुकेशन के बारे में। रविंद्र भाटी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मेयर नोबल अकेडमी बाड़मेर से पूरी की। बाद में आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और वहां BA LLB की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने जोधपुर की जय नारायण विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और वहां LLB की पढ़ाई शुरू की। 2015 में इन्होंने जय नारायण यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और इसके साथ ही उनकी रुचि पॉलिटिक्स में बनने लगी। 2016 में रविंद्र भाटी ने पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में कदम रखा और अपने एक दोस्त को प्रेसिडेंट इलेक्शन में सपोर्ट किया। रविंद्र सिंह भाटी रैलियों और भाषणों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और इसी के चलते उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता उस कॉलेज में बन चुकी थी। रविंद्र भाटी ने 2019 में चुनाव लड़ने का मन बनाया, लेकिन NSUI और ABVP दोनों ही पार्टियों ने उन्हें अपना उम्मीदवार चुनने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने फिर भी हार नहीं मानी और निर्दलीय चुनाव लड़ा। चुनाव के परिणाम आए और रविंद्र सिंह भाटी जीत चुके थे और ऐसा करके उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया था। आपको बता दे दोस्तों कि रविंद्र सिंह भाटी अपनी विश्वविद्यालय के पहले निर्दलीय प्रेसिडेंट बने हैं। जातिवाद से कोसों दूर रविंद्र सिंह भाटी आज पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास के अध्यक्ष बन चुके हैं। सरल स्वभाव वाले रविंद्र सिंह भाटी विश्वविद्यालय के रुके हुए या फिर अटके हुए कामों को करवाने के लिए कुलपति से कई बार मतभेद करते हुए नजर आए हैं। सभी समाज के छात्रों को साथ लेकर चलने वाले रविंद्र सिंह भाटी स्वभाव के विशेष धनी हैं। उनके मार्गदर्शन में आज यूनिवर्सिटी शिक्षा के मामले में काफी आगे बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी के अपने मातृभाषा के प्रति प्रेम के बारे में। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़ी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होने के बाद में भी रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी मातृभाषा का उपयोग करना बंद नहीं किया है। इससे हमें ये पता चलता है कि उन्हें अपनी भाषा से कितना लगाव है। जब कभी भी रविंद्र सिंह भाटी भाषण देते हैं या फिर किसी भी कार्यक्रम के अंदर मंच के ऊपर जाकर कुछ भी बोलना हो तो ये अपनी मातृभाषा का ही उपयोग करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं। कभी किसी ने यह नहीं सोचा था कि बाड़मेर जिले का कोई पश्चिमी राजस्थान में आकर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनेगा, परंतु रविंद्र सिंह भाटी की ईमानदारी और निष्ठा के कारण छात्रों ने 57 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार को प्रेसिडेंट बनाया है। रविंद्र सिंह भाटी यूनिवर्सिटी में कई बार जमीन के मुद्दों को लेकर आंदोलन करते हुए दिखाई दिए और तथा छात्रों के हित के लिए वह कई बार जेल भी जा चुके हैं। आपको बता दे दोस्तों कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से अशोक गहलोत और भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। यहीं से वह अध्यक्ष बनकर राजनीति के इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से वर्तमान समय में रविंद्र सिंह भाटी अध्यक्ष हैं। हमें सूत्रों से पता चला है कि रविंद्र सिंह भाटी इंडियन पॉलिटिक्स में भी भाग लेने वाले हैं और हम आशा करते हैं कि वो आगे भी इस पॉलिटिक्स की दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। अब बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की। आपको बता दे दोस्तों कि रविंद्र सिंह भाटी के इंस्टाग्राम पर 2,42,000 फॉलोअर्स हैं। अगर बात करें रविंद्र सिंह भाटी के मैरिटल स्टेटस की तो वो शादीशुदा हैं दोस्तों, यानी कि मैरिड हैं। अब बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी की कार्स कलेक्शन के बारे में। रविंद्र सिंह भाटी के पास है महिंद्रा की तरफ से आने वाली महिंद्रा थार, जिसकी ऑन रोड प्राइस है 15 लाख रुपए, 2 स्कॉर्पियो जिनकी कीमत है 16 लाख रुपए, 1 टाटा की तरफ से आने वाली सफारी जिसकी कीमत है 12 लाख रुपए और 1
टोयोटो की तरफ से आने वाली फॉर्च्यूनर जिसकी कीमत है करीब 30 लाख रुपए। तो दोस्तों यह थी रविंद्र भाटी की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबा दें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगली वीडियो आपको किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहिए दोस्तों।